इतिहास में ऐसी कई सीरियल किलिंग की घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में जानकर आज भी लोग सिहर जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हवानियत की सारी हदें पार कर दी। हम बात कर रहे हैं सीरियल किलर टियागो हेनरी गोम्स द रोचा की, जिसे गोइनिया का पागल भी कहा जाता है। ये एक ब्राज़ीलियन सीरियल किलर है जिसे गिरफ्तार किए जाने पर 39 लोगों की हत्या करने की बात कबूल की थी, जिसमें से अधिकांश महिलाएँ थीं। 2013 के अंत से इसने केवल महिलाओं को टारगेट करना शुरू किया था। ज़्यादातर युवा लड़कियों को जो मोटरसाइकिल चलाते दिख जाती थी वो इन्हें रैंडमली टारगेट किया करता था। टियागो का बचपन आम नहीं था, जैसे कि अक्सर देखा गया है। उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था क्योंकि वो घर छोड़कर जा चुके थे जब टियागो बहुत छोटा था। उसका पालन पोषण उसके दादा दादी और माँ ने किया। जिस समय उसने अपराध किया घर में केवल वह और उसकी माँ रहा करते थे। प्रारंभिक गवाही में उसने कहा कि बचपन में एक पड़ोसी ने उसका यौन शोषण भी किया था। उसने कहा कि बाप की कमी और गरीबी ने उसमें रोष की एक तीव्र भावना को उकसाया था जिससे वह बेचैन रहा करता था, लेकिन उसने किसी को अपने अंदर के दुख को जाहिर नहीं होने दिया। शायद शर्मिले व्यवहार से उसने अपने साथ रहने वाले लोगों के बीच कोई संदेह पैदा नहीं होने दिया, यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्यों और उसकी प्रेमिका के बीच भी नहीं। उसकी आखिरी नौकरी एक अस्पताल में ऑन कॉल केयर टेकर की रूप में थी। उसके सहयोगियों के अनुसार काम पर उसके सामान्य संबंध थे। गिरफ्तार किए जाने से 2 महीने पहले उसे काम पर रखा गया था। जाँच के क्रम में गोयास की सिविल पुलिस ने टियागो की तस्वीर प्राप्त की जिन्हें क्राइम सीन पर मौजूद कैमरों से लिया गया था। उनमें से कुछ में तो वो साफ बंदूक चलाते दिखाई देता था। पुलिस एक लंबे आदमी लगभग 6 फीट 4 इंच सफ़ेद एथलेटिक बिल्ड वाला जो एक काली मोटरसाइकिल चला रहा था उसे ढूंढने लगी। ढूंढने के क्रम में एक सुराग जिसने जांच में मदद की वह 2013 में टियागो के खिलाफ एक सुपरमार्केट की पार्किंग में मोटरसाइकिल लाइसेंस प्लेट चोरी करने की शिकायत थी, एक कार्रवाई जिसे प्रतिष्ठान में एक सुरक्षा कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा चोरी की लाइसेंस प्लेट वाली मोटरसाइकिल का उपयोग करने के लिए उसे पहले ही 2013 में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर रिहा कर दिया गया। जब डिटेल्स मिलाई गई तो दोनों एक ही आदमी निकले। गिरफ्तारी 14 अक्टूबर 2014 को हुई और टियागो को गोयानिया में स्टेट होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन DIH भेजा गया, जहां उससे पूछताछ की गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शुरुआती बयानों में टियागो ने कहा कि उसका पहला शिकार 2011 में एक 16 वर्षीय लड़का डियागो मार्टिन मेंडस था। अगले 2 शिकार भी पुरुष थे। फिर उसने कई कॉल गर्ल्स और बेघर लोगों को मारना शुरू कर दिया। इन हत्याओं का एक पैटर्न था, कॉल गर्ल्स को छुरा घोंपा जाता था और बेघर लोगों को गोली मारी जाती थी। दिसंबर 2012 को उसने एक और बेघर व्यक्ति और फरवरी 2013 को एक अन्य को मार डाला। दिसंबर 2013 में उसने एक 15 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी। उसके बाद से केवल महिलाओं के खिलाफ हमलों का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें ज़्यादातर युवा थी। जनवरी और अगस्त 2014 के बीच 15 महिलाओं की हत्या कर दी गई, सभी की गोली मारकर हत्या की गई थी। वो हमेशा मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता जिस पर उसने चोरी की लाइसेंस प्लेट लगाई होती, उसकी बंदूक भी चोरी की थी। 18 जनवरी को टियागो ने 14 वर्षीय बारबरा कोस्टा को गोली मार दी। अगले दिन 23 साल की ब्रिटिश मोड़ा की बारी थी। 3 फरवरी को उसने 28 वर्षीय लिलियन मिस्कोटा की हत्या कर ली। 14 मार्च को 26 साल की एना मारिया और 23 अप्रैल को 22 साल की वंसा फिलिप थी। मई और जून में उसने 7 और महिलाओं की हत्या की और 2 अगस्त को एना लिंडा गोम्स की कथित तौर पर आखिरी हत्या, जिसकी उम्र महज 14 साल थी। ऐसी ही एक घटना है। शाम का समय था, मार्केट में रोज की तरह चहल पहल थी। इस वक्त 2 दोस्त जो कि एक महिलाएं थी किसी कार्यक्रम में आई हुई थी। उन्हें अपने काम में ज़्यादा समय लग रहा था और क्योंकि वो लोग कुछ नहीं खाए थे उन्हें भूख लग रही थी। उन्होंने सोचा कि निकल के ऑफिस के सामने रोड साइड स्टॉल पे कुछ खा लेते हैं। उन दोनों ने वैसा ही किया। दोनों ने रोड क्रॉस किया, खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया। दोनों खुश थे, जैसे 2 दोस्त मिलते हैं तो आमतौर पर होते हैं। जैसे ही उनका ऑर्डर आया और उन्होंने खाना शुरू किया तभी एक काले बाइक पर एक इंसान उनके बगल में आ जाता है। उसने काला हेलमेट पहना हुआ था। उसने हेलमेट बिना उतारे एक लड़की की ओर गन तान दी। लड़के ने सोचा कि ये लूट के इरादे से आया है। उन्होंने अपना पर्स, मोबाइल, ज्वेलरी सब खोल के देने लगी, लेकिन क्रिमिनल का कुछ और ही मकसद था। उसने सारे सामान को नीचे फेंक दिया और लड़की की गर्दन को अपने दूसरे हाथ से पकड़ा और उसकी कमर पर गन रख के चला दिया। ये देख दूसरी लड़की वहाँ से भागी। उसने उसके ऊपर भी 2 फायर किए, लेकिन किस्मत से दोनों शॉट मिस हो गए। जैसे उसे लगा कि वो बच गई और भीड़ इकट्ठा होने लगी है, वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। टियागो ने हत्याओं की संख्या को 39 से घटाकर 29 कर दिया। हालांकि 39 में से कम 38 में शुरू में कबूल की गई जांच जारी थी। जेल भेजे जाने के बाद सीरियल किलर ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। टियागो रोसा जेल में एक टूटे हुए बल्ब से अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की थी, लेकिन एक गार्ड ने उसे बचा लिया था। फिलहाल टियागो रोसा जेल में बंद है। उसे वर्ष 2016 में 343 साल और 10 महीने की सज़ा सुनाई गई थी।